नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस यूट्यूब चैनल टिप्स की पुकार में। और दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि दोस्तों अगर आप लोग के इंस्टाग्राम अकाउंट जो है प्राइवेट है, और दोस्तों प्राइवेट होने सॉरी यहां पर प्राइवेट नहीं है, लेकिन दोस्तों आप लोग का अकाउंट जो है प्राइवेट करने पर प्रॉब्लम आ रही है, तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर पाएंगे और बिजनेस अकाउंट को कैसे आप लोग प्राइवेट करेंगे, इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। काफ़ी लोगों का दोस्तों कमेंट्स आ रहा था कि सर हमारे जो है प्राइवेट करके नहीं बताए हैं, तो क्यों नहीं प्राइवेट हो रहा है और कैसे प्राइवेट करना है मैं आपको बताऊंगा। बस ध्यान से वीडियो को देखते रहेगा, आपको अच्छे से सब कुछ इस वीडियो में पता चलेगा, तो ध्यान से देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन में दबा दीजिए, जिससे दोस्तों आगे आने वाली अपडेट भी आप लोग को मिलती रहेगी। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे क्या करना है। दोस्तों यहाँ पर काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा है, मैंने दोस्तों बताया था इससे पहले, तो मैंने जो है अब बिजनेस अकाउंट को जो है अनप्राइवेट किया, मतलब यहाँ पर जो है मैं आपको बता दूँ जो बिजनेस अकाउंट है उसे क्रिएटर में बदल दिया था, यानी दोस्तों उसे बिजनेस अकाउंट से हटा दिया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, देखिए अगर आपको जो है अपने अकाउंट को प्राइवेट करना है तो दोस्तों बिजनेस अकाउंट जो है ना वो आपका खुद का हो चुका है, ठीक है। जैसा कि दोस्तों आपका अगर बिजनेस अकाउंट हो चुका है तो उसे अगर आप लोग प्राइवेट करते भी हैं तो उससे कोई मतलब नहीं होगा। अगर दोस्तों आप लोग पब्लिक ही छोड़ देते ना, तब भी दोस्तों कोई भी आप लोग के अकाउंट को जो है मतलब अपने फ़ोन में लॉगिन नहीं कर सकता है। अगर दोस्तों लॉगिन करेगा तो आप लोगों पे ओटीपी आएगा यस या नो करने का, यस करेंगे तभी आप लोग का अकाउंट जो है उसके फ़ोन में चलेगा। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग को यहाँ पर जो है बिजनेस अकाउंट में है तो आप लोग को यहाँ पर प्राइवेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लोग बिजनेस अकाउंट से यहाँ पर जो है यहाँ पर प्राइवेट करना चाहते हैं, तब दोस्तों आप लोग को यहाँ पर अपने बिजनेस अकाउंट को हटाना होगा, प्रोफेशनल में या फिर क्रिएटर में बदलना होगा, तभी आप लोग का अकाउंट जो है प्राइवेट होगा। तो यहाँ पर आपको करना है क्या, सबसे ऊपर में आपको थ्री लाइन मिलेगा, हमारा अकाउंट बिजनेस है। अब हम क्या करेंगे, सेटिंग्स एंड प्राइवेसी पे जाएंगे, और सेटिंग्स एंड प्राइवेसी पे जाने के बाद हम इस तरीके से नीचे आएंगे। दोस्तों यहाँ पर नीचे आने के बाद दोस्तों फिर हम ऊपर आएंगे, तो हमें यहाँ पर मिलेगा बिजनेस टूल एंड कंट्रोल का ऑप्शन, हम इस पर क्लिक करेंगे। और इस पर जैसे दोस्तों हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आने के बाद हमें मिलेगा स्विच अकाउंट टाइप का ऑप्शन, आप लोग देख सकते हैं, हम स्विच अकाउंट टाइप पर क्लिक करेंगे और दो ऑप्शन मिलेगा, स्विच टू पर्सनल अकाउंट, स्विच टू क्रिएटर अकाउंट। तो हम क्या करेंगे, पर्सनल अकाउंट पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर स्विच टू पर्सनल अकाउंट पर जब हम क्लिक कर देंगे तो हमारा अकाउंट जो है मतलब पर्सनल हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा मतलब अकाउंट बिजनेस अकाउंट हट चुका है। दोस्तों यहाँ पर हमारा मतलब अकाउंट बिजनेस हट चुका है, अब हम इसे चाहेंगे दोस्तों तो आसानी से यहाँ पर अपना जो है अकाउंट मतलब प्राइवेट कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये पब्लिक है, तो हम इस पर क्लिक करके आसानी से यहाँ पर प्राइवेट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोग का बिजनेस अकाउंट रहेगा तो उससे आपको जो है प्राइवेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आपका अकाउंट कोई भी अपने फ़ोन में लॉगिन नहीं कर सकता है। अगर दोस्तों आप लोग को करना है तो आपको बिजनेस अकाउंट से हटाना होगा। तो इस तरीके से मैं आपको बता दिया हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आप लोग वीडियो को लाइक करके नए हो सब्सक्राइब करके जाइएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।